गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक, विच इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़। मतलब हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती है, उनका मीनिंग क्या होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके। एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से सब्सक्राइब ओनली 2.2% लोग करते हैं। 97% बंदे आई डोंट नो वाई दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। सो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, सो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, मल्टीनेशनल मतलब मल्टी मींस मोर देन वन नेशन। मल्टीनेशनल मतलब मोर देन वन नेशन में हमारा जब कॉरपोरेशन मतलब कंपनीज अपना बिजनेस करती हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज आर द कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। कैसे होती हैं ये? कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज होती हैं, एक सेपरेट एंटिटी होती है जो कि क्या करती है, अपने ऑपरेट करती हैं बिजनेस को मोर देन वन कंट्री अदर देन देयर होम कंट्री। होम कंट्री क्या होगी? होम कंट्री वो होगी जहाँ पे उसका हेड ऑफिस होगा, मतलब उसने सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा। ओके, सो हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और कंपनीज क्या होती हैं? आर दोज कॉरपोरेशन जो अपने बिजनेस ऑपरेशन को ऑपरेट करती हैं मोर देन वन कंट्री अदर देन द होम कंट्री। ओके, सो मल्टीनेशनल कंपनीज हैव देयर सेंट्रल हेड ऑफिस। ओके, सेंट्रल हेड ऑफिस कहाँ पे होगा? आपको पता है एक हेड ऑफिस होता है किसी भी कंपनी का, जहाँ से वो अपनी सभी ब्रांच को क्या करती है, अपनी सभी ब्रांच को कंट्रोल करती है, अपनी सभी ब्रांच को चलाती है। सो इसकी मेन सेंट्रल यूनिट क्या होगी? इसका हेड ऑफिस, जो कहाँ होगा? इसकी होम कंट्री के अंदर, जहाँ पे उसने सबसे पहले अपना वो बिजनेस सेटअप किया होगा। ओके, एंड सेकेंडरी ऑफिसेज, फैसिलिटीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड अदर सच एसेट्स टू द अनदर कंट्री। मतलब जो हमारी होम कंट्री में होगा वो उसका हेड ऑफिस होगा, और अनदर कंट्री में इसकी यूनिट्स होंगी, जो भी इसकी जो है अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग कंट्री में फैली हुई हैं। ओके, ये जो कंपनीज होती हैं अपना बिजनेस कहाँ पे चलाती हैं? वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे काफ़ी सारे देशों में ये क्या है, फैली हुई है, इनकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। इसी वजह से इसका नाम एक और है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। क्या बोलते हैं MNCs को? ग्लोबल एंटरप्राइज, क्योंकि वो अपना बिजनेस सिर्फ नेशन में ना करके वर्ल्ड वाइल्ड भी करती हैं, डोमेस्टिक कंट्रीज़ में ना करके अपनी जो है वो अपना बिजनेस अदर कंट्रीज़ में भी करती हैं। जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वो कंट्रोल्ड करती हैं अपनी मेन हेड ऑफिस से सभी दूसरी ब्रांचेस के अपने। ओके, सो MNCs रिक्वायर्ड मतलब हाई मैनेजमेंट, ग्लोबल मैनेजमेंट उनको रिक्वायर्ड पड़ता है इतने सारे अपने ब्रांचेस को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। जनरली जो हमारी MNCs होती है उनका हाई टर्नओवर होता है, ज़्यादा एसेट्स होती हैं, एग्रेसिव मार्केट उनको यूज़ करनी पड़ती है। ये क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं हमारे MNC के। किस लिए? क्योंकि MNC सिर्फ हमारी जो एक कंट्री में वर्क ना करके हमारी मोर देन वन कंट्री के अंदर वर्क करती है। सो इस वजह से हमारी जो MNC होती है उसको ज़्यादा एसेट्स चाहिए बिजनेस में, उसकी ज़्यादा एसेट्स होती हैं, हाई टर्नओवर आता है उसका, एग्रेसिव मार्केटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं। टेक महिंद्रा हमारी MNC है, LTI, TCS, डेलॉयट, ये क्या हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे MNC कंपनीज़ के। अब एक MNC की जो है प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, कि अगर हमें पूछने लगे वो MNC की डेफिनेशन लिखो तो हम कैसे लिखेंगे। इसमें बताया है कि MNC अपने के जैसे नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसने अपने नाम से ही एक्सप्लेन कर दिया है। मल्टीनेशनल मतलब एक नेशन से ज़्यादा जहाँ पे कंपनीज अपना ऑपरेट करती हैं बिजनेस, उसको हम क्या बोलेंगे, MNCs। ओके, इट इज़ अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन दैट ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज़। मतलब वो क्या कर रही है, अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, एंड एक्टिविटी इन मोर देन वन कंट्री एट अ गिवन टाइम। सो दीज आर नोन एज MNCs।
MNC is a company incorporated in its home country. और कहाँ पे incorporate होती है, वो जहाँ पे उसकी home country होती है. For example, कोई एक इंडिया की कंपनी है, वो वहाँ पे बनी हुई है, सो उसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, इंडिया के अंदर. और उसने और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं, सो वो क्या होंगी उसकी, दैट इज़ द मल्टीनेशनल कंपनी. मींस दैट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीनेशनल कंपनी. उसको मल्टीनेशनल कंपनी क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसने अपनी कंट्री से बाहर जाके भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. मोर देन वन कंट्री दैट बिजनेस ऑपरेट्स इज बिजनेस. ओके, वो जो है कंपनी मोर देन वन कंट्री के अंदर जाकर अपना बिजनेस को ऑपरेट कर रही हैं. सो होम कंट्री हमारी कहाँ होगी, जहाँ वो कंपनी फॉर्मड हुई है, जहाँ उसका हेड ऑफिस है. बट कैरीज इज बिजनेस ऑपरेशन बियॉन्ड द कंट्री इन मैनी अदर फॉरन कंट्री वी कॉल्ड द होस्ट कंट्री. जो हमारी कंपनी होगी जहाँ पे उसका हेड ऑफिस होगा, उसको बोलेंगे हम उसकी होम कंट्री, क्योंकि वहाँ पे उसका क्या है, होम है. और जब दूसरी कंट्रीज़ में जाके, वो फॉरन कंट्रीज़ में जाके अपना बिजनेस सेटअप करेगी डिफरेंट फॉरन कंट्रीज़ में, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट कंट्री. ओके, so this is a definition of an MNC. The multinational corporation is a company incorporated in its home country. मतलब multinational MNC हमारी वो कंपनी होगी जो incorporate, मतलब बनी होगी अपनी होम कंट्री में, कंट्री का जहाँ ओरिजन है. बट इट कैरीज इट्स बिजनेस ऑपरेशन, लेकिन वो उसका अपना बिजनेस ऑपरेशन अपनी डोमेस्टिक कंट्री के साथ साथ बाहर भी क्या करेगी, ऑपरेट करेगी अपने बिजनेस को मैनी अदर फॉरन कंट्रीज़ के अंदर. उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट कंट्री. और इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, इसकी होम कंट्री के अंदर, जहाँ पे वो क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, जहाँ पे वो बनी है. ओके, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं. फीचर्स जैसे कि हम देख चुके हैं, हमारी MNC जो होती है, हाई टर्नओवर और मैनी एसेट्स होती है MNC के अंदर. किस लिए होती है, क्योंकि ये ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को. इसका मतलब जब वो एक अगर डोमेस्टिक कंट्री में सिर्फ अपना बिजनेस करेगी, तो उसकी एज़ कम्पेयर दैट लेस एसेट्स होंगी, लेस उसका टर्नओवर आएगा. लेकिन जब वो एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर जाके बिजनेस करेगी, सो वहाँ से भी इसका टर्नओवर आएगा, वहाँ से भी इसका प्रॉफिट जनरेट होगा, और उसकी एसेट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी. ओके, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि जो एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो $1 trillion है, ठीक है, जो कि हाई देन है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी से. ओके, सो ये क्या है, हमारी एप्पल कंपनी एक MNC है, इसका जो टर्नओवर है इतना हाई है कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी से भी हमारा ज़्यादा है. ओके, सो ये क्या है, MNCs इतनी पावरफुल होती हैं कि जब वो अपना बिजनेस परफॉर्म करती हैं आउटसाइड इंडिया जाके, या फिर आउटसाइड देयर होम कंट्री जाके अदर कंट्रीज़ में, सो वो इतना ज़्यादा टर्नओवर अर्न कर सकती हैं. नेक्स्ट, कंट्रोल. इसका जो कंट्रोल होता है, इसके मेन हेड ऑफिस से होता है. मेन कंट्रोल विल बी रिमेन द मेन हेड ऑफिस, लेकिन वहाँ की जो हमारा मैनेजमेंट रहेगा, ऑफिसेज रहेंगे, दूसरी कंट्रीज़ में उसके खुद के होंगे. लेकिन जो ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, मेन कंट्रोल रहेगा, वो उसका कहाँ से होगा, उसके मेन हेड ऑफिस से. ओके, नेक्स्ट फीचर क्या होगा हमारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज. अब टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस कैसे होगा, जैसे कि MNC का यूज़ अमाउंट जो होता है, डिस्पोज्ड होता है वेल्थ और इन्वेस्टमेंट्स में, कि कैसे वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकती है, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न कर सकती है. ये उसको अलाउ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करे, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को बूस्ट कर पाए और उससे ज़्यादा अर्निंग कर पाए. ओके, जो मोस्ट कंपनीज होती हैं MNCs, वो ज़्यादा अमाउंट अपना स्पेंड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाएँ, बूस्ट अप कर पाएँ, जिसके थ्रू वो क्या करें, अर्न करें ज़्यादा पैसा. नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय प्रोफेशंस. सो MNC जो होती है, रन करने के लिए वेरी कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल इंडिविजुअल्स चाहिए उसमें, मतलब जो भी उसका ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा कंट्री में डील कर रही है, तो ऐसे ही उसके क्वालिफाइड पर्सनस चाहिए, जो उसके लिए बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, मतलब उस बेस्ट जॉब के लिए उसके लिए बेस्ट पर्सनस चाहिए, जो उसके सभी टेक्नोलॉजिकल फाइनेंस एक्सपेंशन के को मैनेज कर पाए थ्रू अ वेरी इफेक्टिव मैनर. ओके, नेक्स्ट होता है एग्रेसिव मार्केटिंग. अब हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री में, अगर एक कंट्री में हमारी मार्केटिंग कर रहा है बिजनेस, सो इट इज़ नॉट टफ, ठीक है. लेकिन अगर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, सेल हो रहे हैं, तो उसकी मार्केटिंग, हर एक कंट्री के अलग अलग मार्केटिंग क्राइटेरिया होगा, सो वो काफ़ी क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, काफ़ी जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है.
जो हमारी एमएनसी होती है बहुत सारा पैसा खर्च करती है मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में। देख के क्या टारगेट करती है कि जो उनकी इंटरनेशनल ऑडियंस है वो भी इफ़ेक्टिवली मार्केटिंग, जो मैं उसकी मार्केटिंग कैसी हो पाए, इफ़ेक्टिवली हो पाए, जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो पाए एज़ पर देयर नेचर, एज़ पर द कंट्रीज़ नेचर, ठीक है। सो दिस अलाउज देम टू कैप्चर द मार्केट। सो क्या करता है ये एडवर्टाइज एग्रेसिव मार्केट उनको, कि वो कैप्चर कर पाए मार्केट को और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली सेल कर पाएँ। अब हमारी लिस्ट क्या क्या होती है एमएनसीज की, मतलब कौन कौन सी एमएनसीज हमारी अवेलेबल हैं इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, एलटीआई है, डेलॉयट है, कोका कोला है, टीसीएस है, एकेंचर है, आईबीएम है, कैपगेमिनी है, एडिडास है। सो ये क्या है, ये सब हमारी एमएनसीज हैं जो कि इंडिया में अभी वर्क कर रही हैं। ओके, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द एमएनसी। सो मुझे लगता है कि आपको एमएनसी का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन और नेचर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द नोट्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।